जैसा कि हम भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं के क्रम में राजनीतिक दल और दबाव सबों के बारे में चर्चा कर रहे थे, कल हमने राजनीतिक दलों का अर्थ, परिभाषा और राजनीतिक दल की आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, किन आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण होता है और राजनीतिक दलों के आधार क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता पर काबिज होना ही है, जिसमें लोकमत का निर्माण करते हैं, नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माता होते हैं, सरकार का निर्माण और शासन का संचालन करते हैं और विभिन्न निकायों का नियंत्रण और समन्वय स्थापित करते हैं। राजनीतिक शिक्षण या प्रशिक्षण प्रणाली राजनीतिक दलों के द्वारा दी जाती है। सरकार व जनता के मध्य संपर्क की कड़ी के रूप में काम करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो राजनीतिक व्यवस्था में अनेक दल सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल के कार्यों की प्रकृति उस देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं और स्वयं उस दल की संरचना और अन्य दलों की उपलब्धियों से प्रभावित और निर्धारित होती है। फिर भी लोकतंत्र व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल जिन सामान्य कार्यों का निष्पादन करते हैं उनको हम इस प्रकार से व्यक्त किया जा कर सकते हैं। पहला है तो राजनीतिक दलों का जो कार्य है, निर्वाचन द्वारा शासन सत्ता पर स्थापित। किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है और अंतिम लक्ष्य भी है। एनकेन प्रकरण आज जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है वो सत्ता पर काबिज होना है, सत्ता प्राप्त करना है। राजनीतिक दलों के आवश्यक आधारभूत तत्वों के पूर्व ही ये इंगित किया जा चुका है कि राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता पर वैधानिक माध्यम साधनों के माध्यम से प्रभुत्व की इच्छा एक अनिवार्य लक्षण है, यानी सत्ता पर काबिज होना एक अनिवार्य लक्षण पाया गया है। इस हेतु राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता करते हैं, आपस में होड़ मची रहती है कि शासन पर मैं स्थापित हूँ। इस क्रम में राष्ट्र में विद्यमान सभी राजनीतिक दल इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सामयिक चुनाव में पीरियडिकल इलेक्शन के माध्यम से वे सत्ता के केंद्रों पर अधिकार करें। इस प्रक्रिया में प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन करता है और चुनाव के लिए सर्वसाधारण के समक्ष अपना कार्यक्रम घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए चुनाव को ही एकमात्र माध्यम स्वीकार करते हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने और बहुमत प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है, जिसके माध्यम से वह शासन पर स्थापित होता है, शासन पर काबिज होता है। ये राजनीतिक दल का मुख्य कार्य और अंतिम कार्य है। दूसरा कार्य है लोकमत का निर्माण। जनमत या लोकमत का निर्माण, जिसके माध्यम से वह शासन सत्ता पर काबिज होना चाहता है, ऐसा लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दलों का प्रत्येक प्रजातंत्र व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि जटिल विषयों पर लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जनसाधारण की समस्या को आम आदमी समझ सके उसके लिए प्रशिक्षण या लोकमत या जनमत तैयार करते हैं। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि लोकमत को प्रस्तुत करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से ज्वारभाटा महासागर
के जल को ताजा और तरंगित करता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को ताजा और तरंगित करते हैं। जैसा कि बोफोर्स घोटाला था, पूरे राष्ट्र को सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में राजीव गांधी के सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा देके बाहर आए और एक राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल का निर्माण किया। उससे पूरे देश में एक लोकमत का निर्माण हो, सत्ता परिवर्तन हुई। इस तरह से लोकमत का निर्माण विभिन्न राजनीतिक दलों में अपने अपनी देश की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, उसके माध्यम से ध्यान इंगित करते हैं और लोकमत का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि उस राज्य में या उस देश में शासन सत्ता पर काबिज हो सके। अगला कार्य है सरकार का निर्माण और शासन संचालन। निर्वाचन के बाद में राजनीतिक दलों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है और वह अपनी सरकार का गठन करता है। चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध मधुर संबंध होता है, व्यवस्थापिका में जिस दल की सरकार होगी, जिस व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होगा, उस दल की वह सरकार होगी। यानी व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और व्यवस्थापिका के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी है। इसलिए सरकार का निर्माण संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका में से व्यवस्थापिका का सदस्य होने के नाते, व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। सरकार जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार को स्थापित करता है, या उस दल की सरकार को राष्ट्रपति या वहाँ का सम्राट इंग्लैंड जैसे राज्य में वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। किंतु जहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, उसमें जनता का सीधा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अपने विचारों से सहमति रखने वाले लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करता है। चूँकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथकरण के सिद्धांत को अपनाया है और अक्सर से वहाँ लागू भी है, किंतु फिर भी कार्यपालिका कोई भी कार्य या शासन संचालन नियुक्तियाँ कोई भी कार्य व्यवस्थापिका या सीनेट की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। इसलिए उस कांग्रेस जो संसद है वहाँ की, उस संसद में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बराबर समन्वय रखते हुए कार्य संचालन शासन का संचालन है। जिन देशों में संसदीय व्यवस्था है, उनमें विपक्षी दल सदैव वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में शैडो कैबिनेट यानी जनता के सामने एक विकल्प के रूप में तैयार होता है कि अगर चुनाव में हमें आगे इलेक्शन में किया जाएगा तो हमारे ये लोग, ये मंत्री इस विभाग के मंत्री होंगे और इस विभाग के ये शैडो कैबिनेट है। वैकल्पिक सरकार देने के लिए विपक्षी दल संसदीय शासन व्यवस्था में सदैव तैयार रहते हैं कि हमारी ये शासन व्यवस्था रहेगी और ये एक तरह से शैडो कैबिनेट है। और राजस्थान में भी पिछले दिनों और वर्तमान में जैसे भाजपा है, उन्होंने भी शैडो मंत्रिमंडल के रूप में काम किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग का कार्य दिया है, जिससे कि वो लगे कि इन विभागों के प्रश्न या इस विभागों के विभागों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का प्रश्न सरकार से ये पूछेंगे या ये उसके रूप में जनता को जागरूक करेंगे। तो शैडो कैबिनेट के रूप में अब राज्यों में भी पहल होने लगी है। अगला है सरकार के विभिन्न निकायों का नियंत्रण एवं समन्वय। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न निकायों और विभागों का न केवल नियंत्रण करते हैं, अपितु उनमें परस्पर सहयोग और समन्वय भी करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एपस्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संगठन और समन्वय की आवश्यकता के प्रति एक अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स है। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाले देशों में, जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति पृथकरण अलग अलग होते हुए भी राजनीतिक दलों के अभाव में शासन का संचालन असंभव है,
राजनीतिक दल इन निकायों में मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में एक संतुलन बिठाते हैं। जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में मधुर संबंध होने चाहिए और उन्हीं व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की वह सरकार स्थापित होती है, किंतु जहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उसमें भी जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति जो जनता का सीधा निर्वाचन होता है तो भी वह अपने कार्यों के प्रति, अपने नियुक्ति नई नियुक्तियों के प्रति उनको सीनेट की सहमति आवश्यक है। विभिन्न संधियां समझौते हैं बिना सीनेट की अनुमति के वो लागू नहीं कर सकता। इस प्रकार से अध्यक्षीय या संसदीय शासन व्यवस्थाओं में सरकार के जो विभिन्न निकाय हैं उनमें नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता है और ये राजनीतिक दल बखूबी से अपने आगे शासन संचालन के लिए करते हैं। अगला है नीतियों एवं कार्यक्रमों के सर्जक। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल उस देश के शासन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माता माने जाते हैं, सृजनकर्ता माने जाते हैं, विश्वकर्मा माने जाते हैं। राजनीतिक दल किसी भी विशेष समूह विशेष का हित चिंतन नहीं करते अपितु समाज और राष्ट्र के लिए चुनावों के समय नीतियों के अनेक विकल्प प्रस्तुत करते हैं और समाज और राष्ट्र को किसी देश में आगे बढ़ाना है तो इस विषय के समक्ष जनता के समक्ष अनेक विकल्प होते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जनता उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का शासन हेतु चयन करती है कि ये राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या कार्यक्रम है, ये जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए महती आवश्यकता है और समाज के लिए या राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने वाला है तो जनता उस विकल्प का चयन करती है। जनता द्वारा वर्ण किया हुआ राजनीतिक दल शासन के संचालन में न केवल अपनी नीतियों को ध्यान में रखता है अपितु अन्य दलों द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक कार्यक्रमों को भी अपनी नीतियों और कार्यकलापों का निरूपण करते समय पर्याप्त महत्व देता है। इस प्रकार से सरकार के विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम या उनके जो सर्जक हैं वो सारे राजनीतिक दल हैं और विपक्ष भी नीतियों और कार्यक्रमों में अपनी अपनी भूमिका के रूप में प्रस्तुत होते हैं। विपक्ष भी शासन संचालन के दौरान भी नीतियों और कार्यक्रमों में रचनात्मक सहयोग देते हैं। इस प्रकार से नीतियों और कार्यक्रमों और घोषणा पत्र में जो निर्माता व सर्जक होने के कारण वह जनता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और जनता के द्वारा उन नीतियों और घोषणा पत्र से प्रभावित होकर समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने वाले दल का घोषणा पत्र या कार्यक्रम ठीक लगता है, नीतियां ठीक लगती हैं, उसको जनता चयन करती है जो आगे शासन सत्ता में स्थापित होते हैं। अगला है राजनीतिक शिक्षण। राजनीतिक दल चुनाव के समय प्रचार का जो व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेते हैं उसके माध्यम से राजनीतिक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन होता है। राजनीतिक जो प्रशिक्षण है वो इन चुनावों के दौरान ही होता है। व्यापक जो कार्यक्रम प्रचार प्रसार है उसके दौरान लोगों से मिलना है, ये एक वास्तविक जनसंपर्क स्थापित करने का और जनता को लुभाने का या जनता में परस्पर आपस में प्रगाढ़ संबंध होते हुए उसको वोट में तब्दील करने का जो एक माध्यम है वह राजनीतिक दल है और ये सारी की सारी जो पद्धतियां हैं ये राजनीतिक शिक्षण की टूल्स हैं या राजनीतिक माध्यम के साधन हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, सामान्य जनता के में राजनीतिक के प्रति गहन रुचि चेतना का प्रसार होता है। इससे राजनीतिक दलों के प्रचार कार्यों में यदि मूल रूप से उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार कर लेना होता है, किंतु वह प्रचार के कार्य से लोक शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य स्वतः होता रहता है। विभिन्न विकासशील देशों में लोक शिक्षण का ये कार्य
राजनीतिक दलों द्वारा और भी अधिक सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्रों में या देशों में लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में राजनीतिक दलों ने अपनी महती भूमिका निभाई है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। यानी राजनीतिक जो शिक्षण का जो माध्यम है और लोकतंत्र को जिंदा रखने का जो एक तरह से श्रेय जाता है वो इन राजनीतिक दलों को जाता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में एक दूसरे की कमियों को उजागर करना और जनता में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता लाना, ये राजनीतिक दल बखूबी अपना कार्यक्रम करते हैं और ये एक प्रकार से एक राजनीतिक शिक्षण का कार्य हो जाता है। तो राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण कार्य है, राजनीतिक चेतना, जागृति, लोकमत का निर्माण, जनता से किस प्रकार से संपर्क किया जाता है और उसको चुनाव में किस प्रकार से तब्दील करवा के और शासन सत्ता पर काबिज होना है या शासन सत्ता पर स्थापित होना है, ये राजनीतिक दल एक राजनीतिक प्रशिक्षण शिक्षण का कार्य बखूबी करते हैं। तो राजनीतिक शिक्षण का भी एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। अगला है सरकार व जनता के मध्य संपर्क की कड़ी। जैसा कि मैंने बताया अभी, जनसंपर्क करते हुए आत्मीय संबंध स्थापित करते हुए उन्हें अपने कार्यक्रम घोषणा पत्र की नीतियों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता प्रभावित हो और उस माध्यम से वह वोट में तब्दील हो जाए या उस दल को जनता मत प्रदान कर दे। इस प्रकार से सरकार और जनता के मध्य जो संपर्क की कड़ी है वह राजनीतिक दल है और शासन सत्ता की कमियों को उजागर करना, जनता की समस्याओं को संसद में या विधायिका में रखना, ये राजनीतिक दल अपनी अपनी बखूबी करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार और जनता के मध्य जो संपर्क की कड़ी है ये एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है। निर्वाचकों को विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं पर जानकारी प्रदान करने और उन्हें प्रस्तुत करने और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें सक्रिय करने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दल द्वारा सरकार द्वारा निर्मित नीतियों को गुणात्मक पक्षों को जनता से परिचित करवाते हैं और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जनता की जो प्रतिक्रिया होती है उसे सरकार तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार दल व्यक्ति और सरकार को जोड़ने की कड़ी के रूप में निरंतर कार्यशील प्रगतिशील रहता है और ये सरकार और जनता के मध्य संपर्क सूत्र या संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राजनीतिक दल अपना कार्य करते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। राजनीतिक दल में समाज अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य भी करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ समाज में कुरीतियाँ प्रचलित हैं, राजनीतिक दल सामाजिक सुधार के अनेक कार्य करते हैं। छुआछूत का उन्मूलन, मद्यपान के विरुद्ध वातावरण बनाना, बाल विवाह, शराबबंदी, अभी जैसे बिहार सरकार ने किया, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, अभी राजस्थान सरकार का एकमेक लक्ष्य है कि मृत्यु भोज पर ग्राम सेवक और पटवारी को पाबंद किया गया है और अनेक ऐसी अंधविश्वास पर आधारित जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको रोकने के लिए लोक चेतना का विकास राजनीतिक दल करते हैं। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। इन कार्यों के अलावा राजनीतिक दलों को सत्ता के वैधानिकरण के माध्यम भी मानते हैं। रॉबर्ट सिबॉन के अनुसार एक राजनीतिक दल ऐसा वेरिएबल है जो तीन प्रकार की भूमिका, मध्यवर्ती, स्वतंत्र और आश्रित वेरिएबल के रूप में गत्यात्मक डायनामिक्स की भूमिका निभाता है और इनमें से भी कोई भी एक भूमिका निष्पादित करता है। प्रोफेसर मेरियम ने बताया कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार चलाना, उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति और सरकार के मध्य मध्यस्थता का कार्य करना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र के शासन की धुरी के रूप में काम करते हैं और प्रजातंत्र की आधारशिला भी माना जाता है।
क्योंकि प्रजातंत्र इनके बिना व्यावहारिक नहीं बन सकता, नहीं जीवित रह सकता। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा दी है और ये लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाने का कार्य करते हैं। इन्हें लोकतंत्र का जीवन रक्त माना जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। लोकतंत्र का जीवन रक्त वो राजनीतिक दल बखूबी से अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये आज राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका का चैप्टर या टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।